स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे जो कि हमारा एक प्रैक्टिकल है जिसमें हमें कहा जाता है स्टेटमेंट uh, ये है कि टू टू दैट कंपाउंड्स कैन बी प्रोडक्ट्स ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है यानी कि कोई कंपाउंड जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है जिसमें ए, ए, एक कंपाउंड जो है उसकी क्या हो रही है उसकी डिकम्पोज हो रहा है यानी कि ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे ठीक है या डिफरेंट सब्सटेंसेस बना लेता है ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपाउंड बनते हैं एज प्रोडक्ट ठीक है एज प्रोडक्ट बनते हैं वो कंपाउंडस और किस नतीजे में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नतीजे में यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट uh, ऑफ ऑल यहाँ अप्रेटर्स देख लेंगे इसके लिए डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमें स्टैंड चाहिए होगा जिसमें क्लैम्प लगा हुआ ठीक है क्लैम्प स्टैंड चाहिए होगा इसके अलावा हमें राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए होगी इसके अलावा हमें सिलेंडर चाहिए होगा ठीक है उसके ऊपर लेट भी लगाई हुई होगी और साथ में हमें डिलीवरी ट्यूब चाहिए होगी ठीक है इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं इनके यहाँ पे केमिकल्स जो कि के रिक्वायर्ड होते हैं हमें केमिकल्स यहाँ पे हमें एक तो जिंक कार्बोनेट चाहिए होगा ठीक है इसके कुछ इस तरह पैलेट से होते हैं और साथ में लाइम वाटर भी चाहिए होगा जो कि हमारे पास एक क्लियर सा का होगा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है प्रोसीजर यहाँ देख लेते हैं प्रोसीजर में हमारे पास क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लेकर आते हैं एक स्टैंड ठीक है स्टैंड आता है स्टैंड को रखते हैं क्लैम्प स्टैंड उसके क्लैम्प के अंदर हम क्या लगाते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क लगा लेते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या रखे हुए हैं इसके अंदर हमने जिंक कार्बोनेट को डाल लिया ठीक है जिंक कार्बोनेट इसमें डाल लिया उसके बाद इसके जो पैलेट्स थे वो हमने इसमें डाल लिया इसके अलावा हमने यहाँ पर ये यह तो क्लैंप में लगा हुआ है यहां हमने सिलेंडर पे क्या चीज रखी सॉरी ये स्टैंड पे हमने क्या रखा है यहां पर हमने सिलेंडर रख दिया अपना ठीक है और सिलेंडर के अंदर हमने लाइम वाटर डाल लिया और ये डिलीवरी ट्यूब को इस तरह से हमने इसमें कनेक्ट कर लिया ठीक है तो यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ हम इसको हीट करेंगे हीट करते हैं तो क्या होता है ये जो जिंक कार्बोनेट है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इसको हीट करें केमिस्ट्री में तो ये चल रहा है ना ठीक है हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वही हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है देख रहे हैं जो जिंक कार्बोनेट है बेसिकली इसको हम हीट कर रहे हैं ठीक है जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता जिंक कार्बोनेट खत्म होना शुरू हो जाता है यानी कि इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है साथ में हम यहाँ क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइम वाटर है ये मिल्की सा हल्का सा देखें इसके अंदर मिल्कि नस्सी आना क्लाउडी नसी या मिल्कि नसी आना शुरू हो गई है तो ये किस वजह से होती है इस ये सॉरी ये प्रूफ कर रहा है कि यहाँ से एक गैस जो है वो यहाँ से पास होकर एक गैस बन रही है यहाँ पे ठीक है जो कि बेसिकली कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है जिंक कार्बोनेट को हीट करने के नतीजे में और हम देख रहे हैं कि जब वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू लाइम वाटर में जा रही है ठीक है तो क्या हो रहा है जो क्लियर सोल्यूशन था लाइम वाटर का वो क्या हो रहा है इट इज टर्निंग मिल्की ठीक है हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ठीक है ये प्रूफ हुई तो जिंक कार्बोनेट है बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है अपॉन हीटिंग और हमें दे रहा है जिंक ऑक्साइड जो कि यहां क्या बच गए जिंक ऑक्साइड और जो बाकी का कार्बोनेट है वो जिंक सॉरी जितना भी जिंक कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होकर दो कंपाउंड बना रहा है एक ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवोल्यूशन या इसकी रिलीज जो है ये यह हमें यहां पर प्रूफ किस तरह से ये किस तरह से प्रूफ हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हो रही है क्योंकि यहां पर जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो गया ठीक है मिल्कि ने हो गया यहाँ है इस तरह से इस तरह हम यहाँ देख भी रहे हैं फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके अंदर केमिस्ट्री के चल रही होती है इसके अंदर केमिस्ट्री बेसिकली ये चल रही होती है कि हमारे पास ये जो लाइम वाटर होता है ना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ठीक है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने शामिल की तो हमारे पास क्या चीज बन जाती है हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में वाटर बन जाता है ठीक है तो ये मिल्की से जो बेसिकली होता यह है कि ये वाटर के अंदर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है में इस तरह से, इस सच नहीं होता, होता है ठीक है, मतलब, है, होता है, तो, होता है तो हमारे पास जो यहाँ पर एक सोल्यूशन मिल, मिल्की सा बन है इसमें हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मौजूद है ठीक है और कुछ उसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट है बहुत थोड़ी सी अमाउंट है वाटर में डिजोल्ड है ये हमारे पास बन जाता है ठीक है यहां पर जो है वो इस वजह से आ रही है तो ये इस केमिस्ट्री थी इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या देखा हमने यहाँ पर देखा कि हम के okay, डिमोन्स्ट्रेशन देखी कि कंपाउंड कैन बी प्रोडक्ट्स ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन